नमो कर्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। देवादिदेव आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बंधुओं तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के स्वाध्याय में हम चौथे अध्याय तक के पड़ाव को पार कर चुके हैं। चौथे अध्याय का हमने स्वाध्याय कर लिया है। अब बारी है चौथे अध्याय का, जो हमने स्वाध्याय किया है उसका एक बार रिवीजन हम लोग करें। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, सूत्र सूत्र का अर्थ, इन सब का हम यहाँ पर पुनर्वलोकन करेंगे और पुनरावृत्ति होगी। संपूर्ण जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है वो हम फिर से उसको अच्छे तरीके से, जिसे हम ध्यान में रख सकें, भूले नहीं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ चौथा अध्याय शुरू हो गया है। यहाँ से तो ये लीजिएगा, स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले चौथे अध्याय का पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, देवाश्चतुर्णिकायाः। देवाश्चतुर्णिकायाः इसका मतलब हुआ कि देव जो है उनकी चार निकाय हैं। चार निकाय मतलब क्या होता है, चार प्रकार के हैं देव। देव जो है ना वो चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये देखो चार नाम हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और चौथा वैमानिक। ये चार प्रकार हैं देवों के। तो देवों के प्रकार यहां पर बतलाए गए हैं पहले सूत्र। अगला सूत्र है दूसरे नंबर का, इसको पढ़ेंगे हम। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, इसको बोलना है आदितस, फिर बोलना है त्रिषु, फिर बोलना है पीतांत और फिर कहना है लेश्या। तो देखिएगा, आदितः मतलब शुरुआत से, शुरुआत के जो तीन यहां पर निकाय हैं, शुरुआत के जो तीन निकाय हैं, मतलब तीन जो यहाँ पर प्रकार बताए थे ना, समूह, निकाय मतलब समूह, उनकी कैटेगरी, उनको हमने अलग अलग टीम में बांट लिया। चार टीम हो गई, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब वो कहते हैं शुरुआत के जो तीन हैं कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये जो तीन हैं, ये तीन कैसे हैं, ये तीन के बारे में कहा है पीतांत लेश्या, इनकी लेश्या पीतांत होती है। पीतांत मतलब चार लेश्याएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पीत तक रुक जाना है। पीतांत मतलब पीत को रोक दो, पीत सबसे लास्ट में आएगा। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती हैं। पद्म और शुक्ल लेश्या इनमें नहीं होती। तो कितनी लेश्याएं हो जाती हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं पाई जाती हैं। कहाँ ये पाई जाती हैं, इन देवों में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन निकायों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये चार लेश्याएं होती हैं। अब इसमें और जानना चाहिए, वैसे तो पूरे देवों के पूरे जीवन काल में पीत लेश्या ही होती है इनके,
जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी हैं, लेकिन ये तीन लेश्याएं बताई हैं कृष्ण नील कापोत इसलिए बताई हैं ताकि ये जो जब इनका काल अपर्याप्तक अवस्था में रहता है, जब इनका शरीर आदि नहीं बनता, तो पिछली गति से जो आते हैं, पिछले जन्म मतलब पिछले जन्म से जब ये आते हैं देव गति में, उस काल के बीच में ये काल होता है इनका, कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेशियाएं तब होती हैं। उसके बाद जन्म होने के बाद पीत ही रहती है हमेशा। अब देख लो यहां पर इन निकायों में भी और भेद हैं, कैसे तो देख लेते हैं हम। देखो ये निकायों में कौन कितने कितने भेद हैं, पहले तो चार भेद किए, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक। इन चार में भी और भेद हैं, कौन कौन से हैं, तीसरे नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, इसमें बतलाया है दश मतलब पहला जो है ना, सबसे पहला है भवनवासी, तो भवनवासियों के दश मतलब दस भेद हैं। फिर आया है अष्ट, अष्ट मतलब आठ, तो व्यंतरों के आठ भेद हैं। फिर आया है पंच, तो पांच, पांच भेद हैं ज्योतिष के, ज्योतिष के जो देव हैं उनके पांच भेद हैं। और द्वादश बारह भेद किसके हैं, तो कहते हैं कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, कल्पोपपन्न जो सोलह स्वर्गों के निवासी जो देव हैं, उन देवों के बारह भेद होते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र को हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर के सूत्र को, सूत्र नंबर चार। इसमें इंद्र देव देवों के विषय में और भी बतला रहे हैं कि देवों के और भी दो प्रकार से भेद होते हैं। मतलब ये तो दस आठ पांच बारह ये तो भेद है ही, इनके अलावा भी और भेद होते हैं, उनको जरा सा इस सूत्र में बतलाया है, सूत्र नंबर चार में पढ़ेंगे इसको हम लोग, ध्यान से पढ़ना, बड़ा सूत्र है। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैक शाह, सुनना फिर से। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैक शाह, अलग अलग करके पढ़ना है आपको। जैसे इंद्र सामानिक इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद में त्रायस्त्रिंश पढ़ लो, फिर पारिषदात्म रक्ष पढ़ लो, फिर लोकपालानीक, उसके बाद प्रकीर्ण काभियोग्य, ठीक है, उसके बाद किल विशिकाश, उसके बाद चैक शाह, ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि यहाँ और भी भेद कौन कौन से बतलाए हैं, तो कहते हैं हर एक निकाय में, चाहे वो भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो या वैमानिक हो, कोई सा भी देव है, देव किसी भी निकाय का हो सकता है, लेकिन उनमें ये भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष और लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आवियोग्य और किलविशिक, ये जो है ये भेद यहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि प्रत्येक में ये पाए जाते हैं, इंद्र सामानिक आदि ये प्रत्येक में पाए जाते हैं, ये दस भेद सब में होते हैं। अब आगे बतलाते हैं, अगला सूत्र है उसमें कहते हैं कि थोड़ा सा अंतर भी है इसमें, कैसे, देखो कहीं कहीं पर नहीं भी पाए जाते हैं तो उनके बारे में बतला रहे हैं पांचवें नंबर के सूत्र में। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषकाः, सूत्र में कहा है पांचवें नंबर के सूत्र में कि व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये वर्ज्या मतलब नहीं होते। देखो ये जो देव है ना, सबकी कैटेगरी अलग है। इंद्र जो रहता है उसके ठाट बाट अलग होते हैं, आज्ञा मानते हैं सब लोग, वो सबसे प्रधान माना जाता है उस देवों में। हाँ, फिर सामानिक आता है, उसके बराबर रहता है लेकिन आज्ञा नहीं रहती उतनी। फिर पारिषद आ जाते हैं,
परिषद, त्रायस्त्रिंश, ये सब दरबारियों की तरह, गुरु की तरह, पुरोहित की तरह होते हैं। हाँ, सम्मान इनका बहुत है, लेकिन इंद्र की तरह आज्ञा नहीं चलती। हाँ, फिर आत्मरक्षी बॉडीगार्ड की तरह होते हैं। लोकपाल या कोतवाल की तरह होते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, इंस्पेक्टर। उसके बाद में फिर जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर कहा है अनीक होते हैं। अनीक होते हैं, ये कैसे रहते हैं? अनीक रहते हैं सेना की तरह। प्रकीर्णक होते हैं, वो सामान्य देवों की तरह, गृहस्थों की तरह रहते हैं। फिर किल्विशक अभियोग्य होते हैं और किल्विशक होते हैं। इस प्रकार से अभियोग्य जो रहते हैं, जिनको दास बनाते हैं, जिनको हाथी घोड़ा सवारी के रूप में प्रयोग में करते हैं, उन देवों को अभियोग्य कहते हैं। और जिनको चांडाल आदि की तरह दूर रखते हैं, छूते नहीं है, ऐसे पापी देवों को किल्विशक देव कहते हैं। इस प्रकार से इनमें भेद होता है। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 6। अब बतलाते हैं कि कहां कितने इंद्र होते हैं, उसके बारे में सूत्र नंबर 6वां बतलाया गया है। सुनिएगा, पूर्वयोर द्विंद्राः, पूर्वयोर द्विंद्राः। सूत्र नंबर 6वें में कहा गया है कि पहले के दो निकायों में, जो शुरुआत के जो दो निकाय हैं, उन दो निकायों में दो दो इंद्र होते हैं। जो शुरुआत के दो निकाय हैं, मतलब दो निकाय मतलब कौन कौन से दो निकाय हैं यहां पर? यहां पर शुरुआत के दो निकाय कौन कौन से हैं? शुरुआत के दो निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर। तो भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र होते हैं, ठीक है। अब आगे अगले सूत्र में बतलाते हैं कि देवों में काम सेवन कैसे होता है। सूत्र नंबर 7 में कहा है इन्होंने, काय प्रविचारा आ ऐशाना, काय प्रविचारा आ ऐशाना। मतलब काय प्रविचार, मतलब प्रविचार क्या होता है? प्रविचार मतलब मैथुन, समागम, काम भोग इत्यादि करना, वो प्रविचार है। तो कहते हैं काय प्रविचारा, मतलब मैथुन आदि करना, ये प्रविचार है। तो शरीर से जो मैथुन आदि किया जाता है, आईशानात, मतलब ईशान स्वर्ग तक किया जाता है। कौन कौन से स्वर्ग तक? ईशान स्वर्ग तक। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये तीन प्रकार के भवनत्रिक जो होते हैं, इनमें तो होता ही है काय प्रविचार, शरीर से प्रविचार। जैसा मनुष्य करते हैं, उसी तरह से मनुष्यों की भांति ये लोग भी करते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी जो देव हैं। उसके साथ में सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव भी इसी प्रकार से काम सेवन करते हैं, ठीक है। इसको हमने समझ लिया और जान लिया। आगे स्वर्गों के देवों के बारे में कहते हैं, आगे के जो देव हैं वो कैसे प्रविचार करते हैं, कैसे काम भोग करते हैं। 8वें नंबर के सूत्र में बतलाया है, शेषाहा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचाराहा, शेषाहा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचाराहा। मतलब इसमें कहा है, शेष स्वर्गों के जो देव हैं वो स्पर्श रूप शब्द और मन से ही मैथुन करते हैं, काम सेवन करते हैं। जैसे सानत कुमार माहिंद्र स्वर्ग के देव होते हैं, वो अपनी देवियों को छूने से, इनका स्पर्श कर लेने से, हाँ आलिंगन कर लेने से, हाँ उससे ही ये संतुष्ट हो जाते हैं और अलग तरीके से ये काय प्रविचार नहीं करते और अनेक प्रकार से काम भोग नहीं करते, केवल आलिंगन आदि से ही इनको सुख प्राप्त हो जाता है। आगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिष्ट स्वर्ग के देव हैं, वो देवियों का रूप मात्र देख लेते हैं, उनका रूप है, उनका श्रृंगार है, उनका सौंदर्य है, उसको देख लेने मात्र से भी उनको जो है संतुष्टि हो जाती है और देख करके ही खुश हो जाते हैं और वो अन्य प्रकार से आलिंगन आदि करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल उनको देख लिया और उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। फिर कहते हैं शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्ग के देव हैं, वो क्या करते हैं? वो शब्दों को सुन करके ही उन्हें संतुष्टि मिल जाती है, अपनी देवी से बात करेंगे, उनकी अच्छी अच्छी बातें, मीठे वचन, हाँ उनकी
पायल घुंघरू आदि की आवाज, उनके उनका उनका कोई गीत आदि सुनेंगे तो उससे ही इनको तृप्ति मिल जाती है और फिर उसके बाद में वो नहीं करते हैं किसी प्रकार का काम सेवन आदि नहीं करते हैं। उसके बाद में फिर आगे के जो देव है ना, आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वर्ग के देव है ना, वो तो देवियों को देखते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, केवल मन में विचार मात्र कर लेते हैं अपनी देवी का और जो देवियां उनकी रहती हैं उनका मात्र चिंतन कर लेते हैं मन में, अच्छे विचार उनके उनके प्रति रागमय विचार उनके बन जाते हैं और उससे ही उनको तृप्ति हो जाती है और अन्य प्रकार से प्रविचार काम सेवन आदि नहीं करते। अब आगे ऊपर 16 स्वर्गों के ऊपर के जो देव हैं उनको किस प्रकार से काम सेवन की व्यवस्था है तो उसके बारे में अगला सूत्र है परे प्रविचाराहा। सूत्र नंबर 9 परे प्रविचाराहा, मतलब उसके ऊपर अप्रविचार है, मतलब काम सेवन नहीं है, वहां देवांगनाएं नहीं होती हैं और उसके ऊपर 9 ग्रह वेयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में जो अहमिंद्र है ना, उनकी तो बात ही क्या करें, उन्हें तो काम भोग की वेदना ही नहीं है, इसलिए वो परम सुखी है। काम की वेदना नहीं है इसलिए परम सुखी है, ना काम की वेदना होती है ना उसको वेदना को शांत करने के लिए उन्हें किसी देवी आदि के पास जाना पड़ता है, ना वहां पे देवांगनाएं होती है। इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पर बतलाया है। अब भवनवासी देवों के 10 भेद बतलाए हैं यहाँ। भवनवासी देवों के बारे में कहा है सूत्र नंबर 10 में, पढ़ेंगे हम इसे। भवनवासी देवों के 10 भेद, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराहा। सूत्र नंबर 10 में बतलाया है कि भवनवासी देव जो हैं उनके 10 भेद हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। इस प्रकार से कुछ 5 और 5, 10 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। भवनवासी क्यों कहते हैं? अरे भाई ये भवनों में रहते हैं इसलिए इनको भवनवासी कहते हैं। उसके बाद में इनके 10 भेद हैं, सबके नाम में कुमार लगा हुआ है क्योंकि ये बच्चों की तरह होते हैं, उन्हीं की तरह मस्ती खेल कूद उधम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और यही इनका काम होता है। हाँ, बच्चों की तरह रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में रहते हैं और असुर कुमार पंख में रहते हैं, बाकी के 9 खर में रहते हैं। असुर कुमार जो होते हैं ना उनकी कैटेगरी थोड़ी बड़ी है भवनवासियों में। अब व्यंतरों के 8 भेद यहाँ पर बतलाए हैं, सूत्र नंबर 11वां है, इसमें व्यंतर देवों के 8 भेद बतलाए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। व्यंतराहा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाहा। सूत्र नंबर 11 में मैं कहा है व्यंतर जो देव होते हैं वो कैसे हैं, व्यंतर देवों के बारे में कहा है उनके भेद हैं किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। ठीक है, तो ये इनका मतलब क्या, व्यंतर मतलब जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी यहाँ इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है तो बस यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, बंजारे खाना बदोश लोगों की तरह ये रहते हैं एक प्रकार से, ये आप समझ सकते हैं। तो ये करते क्या है, ये जो है इनका निवास भी है, ऐसा नहीं कि निवास नहीं है, ये खर भाग में रहते हैं और उसके बाद में पंख भाग में भी रहते हैं। 7 प्रकार के जो है ना, ये 7 प्रकार के तो रहते हैं व्यंतर जो देव है वो रहते हैं खर भाग में और पंख भाग में रहते हैं राक्षस। तो यहाँ पर ये तो रहते ही हैं, साथ में पृथ्वी पर भी रहते हैं, अनेक द्वीपों में, पर्वतों पर, समुद्रों पर, पहाड़ों पर, नदियों पर, गांव में, नगर में, किसी मंदिर में, खंडहर में, चौराहे में, कहीं पर भी ये रह सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इनको व्यंतर कहा गया है। अगला सूत्र है ज्योतिषी देवों के बारे में, सूत्र नंबर 12वां, इसको हम पढ़ेंगे। ज्योतिषकाः सूर्य चंद्रमशौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूत्र में बतलाया है ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे।
ठीक है। तो यहाँ पर बतलाया है कि इस प्रकार से इनको ज्योतिष के देव कहा है, इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, इसमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। एक चंद्रमा का जो परिवार होता है उसमें चंद्रमा होता है, सूर्य होता है और 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और बहुत सारे तारे होते हैं। तारों की संख्या यहाँ पर बतलाई होगी इन्होंने, इसमें नहीं बताई है शायद। तो अगले सूत्र में हम इसको पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये पांच भेद होते हैं ज्योतिषी देवों के। तो देखिएगा ज्योतिषी देव करते क्या हैं, उसके बारे में 13वें नंबर के सूत्र में बतलाया है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। सूत्र में कहा है कि मेरु की प्रदक्षिणा नित्य गतिमान रूप से ये करते हैं ज्योतिषी देव। क्या करते हैं? मनुष्य लोक में, निर्लोक में, मनुष्य लोक में मेरु पर्वत जो है ना उसकी प्रदक्षिणा करते हुए हमेशा गमन करते रहते, रुकते उकते नहीं। अच्छा देखो, एक चंद्रमा के परिवार में सूर्य एक, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार की संख्या बतलाई है इन्होंने। अब इन ये घूमते हैं तो उससे क्या फायदा है, उनके घूमने से क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में कहा है इन्होंने सूत्र नंबर 14 में। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। ज्योतिषी देवों के गमन से ही, इनका जो गमन है ना, प्रदक्षिणा कर रहे हैं ना मयूर पर्वत की, उससे ही काल विभागः, काल का विभाजन होता है। जैसे सेकंड, मिनट, घड़ी, दिन, महीना, पक्ष, पखवाड़ा, हाँ, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मुहूर्त, ये सब इसी से ही तो पता चलता है। चंद्रमा सूर्य की गति से, सूर्य और चंद्रमा की गति से ही दिन रात होते हैं, ये भी हमें पता चलता है ना। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव जो है ना वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में बतलाया है। बहिरवस्थिता, बहिरवस्थिता मतलब कि ज्योतिष मनुष्य लोक के बाहर, क्योंकि सूत्र में आपने पहले बतलाया था नृलोके मतलब मनुष्य लोक में, तो मनुष्य लोक के बाहर भी तो ज्योतिषी देव होंगे क्योंकि वो तो पूरे मध्य लोक में होते हैं। तो भाई वो वहां क्या करते हैं, तो कहा है बहिरवस्थिता मतलब बाहर जो है मनुष्य लोक से बाहर है वो अवस्थित है, गमन आदि नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है, जहां है वहीं रहते। अब देवों का एक और भेद है, उसके बारे में अब यहां पर बतला रहे हैं 16वें नंबर के सूत्र में। वैमानिकाहा मतलब चौथा जो भेद है देवों का, ज्योतिषी देवों की चर्चा हो गई, अब आता है वैमानिक। तो अब आगे वाली जो चर्चा आने वाली है वो वैमानिक देवों की होने वाली है। ये अधिकार सूत्र है, ये बतला रहा है कि अब आगे अधिकार आएगा किसका, आगे अधिकार आएगा वैमानिक देवों का, वैमानिकों की ही चर्चा होगी। तो वैमानिक देवों के भेद कितने हैं, बतलाया है सूत्र नंबर 17 में। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नाः मतलब कल्प में उत्पन्न, जहां इंद्र सामान्य त्रायस्त्रीन शादी की कल्पना करके बंटवारे किए जाते हैं, भेद किया जाता है, वो कल्प होते हैं। जैसे 16 स्वर्ग, और 16 स्वर्गों के ऊपर जो 16 स्वर्गों के ऊपर जहां इंद्र सामान्य आदि की कल्पना नहीं है, सारे इंद्र बराबर हैं, समान हैं, उनको कहते हैं कल्पातीत। ऐसे जो देव होते हैं वो कल्पातीत में रहते हैं, उनको कहते हैं अहमिंद्र। वो अहम मतलब स्वयं में ही इंद्र के समान होते हैं, स्वयं के इंद्र हैं। अच्छा ये कल्पोपपन्न, कल्पातीत, 16 स्वर्ग बने कैसे हैं, उसके बारे में सूत्र नंबर 18 में बतलाया है। उपर्योपरी, उपर्योपरी मतलब ऊपर ऊपर, ये आप देख रहे हैं ना वैमानिक देव और कल्प है, स्वर्ग है, ये ऊपर ऊपर है, पहला स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस प्रकार से नीचे से ऊपर तक ये जाते हैं। तो ऊपर 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 बने हुए हैं। इनके नाम क्या है, कल्प और कल्पोपन, वैमानिक देव कहाँ है, तो उसके बारे में सूत्र नंबर 19 में बतलाया है हमें। क्या बताया है, पढ़ेंगे इसको
सूत्र नंबर 19 में बड़ा सूत्र है, अच्छे से पढ़ना। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयोर यो राणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सूत्र नंबर 19वां है यह। इस सूत्र में क्या बतलाया है? इसमें बतलाया है कि यहां क्या बतलाया है? यहां बताया है कि सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत, ये जो है ना, ये नाम है 16 स्वर्गों के। इसके ऊपर 9 ग्रहवेयक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदेश हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 हैं। ये 5 क्या हैं? अनुत्तर हैं। अगला जो सूत्र है, सूत्र में बतलाया है वैमानिक देवों की क्या विशेष बात है, उसके बारे में कहा है। स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। वैमानिक देवों में क्या विशेषता है, तो उसके बारे में कहा है स्थिति मतलब आयु, प्रभाव मतलब शक्ति, सुख मतलब इंद्रिय सुख, द्युति मतलब चमक धमक और लेशिया की विशुद्धि मतलब कि लेशिया मतलब परिणामों की विशुद्धि, इंद्रिय जो है इंद्रिय के विषय और साथ में अवधि ज्ञान का विषय, ये सब बढ़ते चले जाते हैं। पहले स्वर्ग का देव है उससे ज्यादा आयु प्रभाव सुख लेशिया विशुद्धि हाँ और अवधि ज्ञान, वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे का होगा, पांचवे वाले से बड़ा होगा छठवे का, छठवे से ज्यादा आयु सातवें की, ऐसा क्रम चलता रहता है। ये हमें समझना चाहिए, इनमें ये बढ़ते चले जाते हैं आयु सुख हाँ शरीर की चमक लेशिया की विशुद्धि अवधि ज्ञान का विषय, ये सब बढ़ जाता है। कम क्या होता है उसके बारे में एक और सूत्र है 21वां, इसको पढ़ेंगे हम। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। अच्छा एक और चीज है जो इनमें कम होती है, क्या? तो गति कम होती है, हलन चलन यहां वहां जाना जो है ना वो कम हो जाता है ऊपर ऊपर के देवों। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो कहीं जाते ही नहीं है क्योंकि उनमें गति बिल्कुल ही नहीं है, कम होती है गति। शरीर मतलब उनका शरीर भी है ना बड़ा नहीं होगा, छोटा 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 होता जाता है, परिग्रह भी कम होता जाता है, घमंड भी कम होता जाता है और परिणाम अच्छे होते चले जाते हैं, ये इनमें विशेष बात है देवों में। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 22वां, इसमें बतलाया है वैमानिक देवों की लेशिया कौन सी है, तो कहा है पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वित्रिशेषेषु। मतलब शुरुआत के दो योगल है ना सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, इनमें क्या होता है, इनमें पीत लेशिया होती है। उसके बाद के तीन जो योगल हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र में पद्म लेशिया है और बाकी के बचे हुए जो ऊपर तक हैं उनमें शुक्ल परम शुक्ल आदि लेशियाएं होती हैं, चाहे वो ग्रहवेयक हो अनुदेश हो अनुत्तर हो, इस प्रकार से समझना चाहिए। कल्प किसे कहते हैं, कहाँ तक कल्प माने, तो उसके बारे में सूत्र नंबर 23वां बतलाया है प्राग्रैवेयकेभ्य कल्पाः। ग्रहवेयक के पहले पहले तक जो 16 स्वर्ग है ना उसको हमें कल्प समझना चाहिए, वो कल्प है उसी को हम कल्प माने, उसके आगे ग्रहवेयक पहले ग्रहवेयक से कल्पातीत शुरू हो जाता है। अब आपने लोकांतिक देवों के बारे में सुना होगा जो पंच कल्याणकों में आपने देखा होगा, उसके बारे में कहा है लोकांतिक देवों के बारे में ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। मतलब क्या? मतलब ये कि ब्रह्म लोक के निवासी होते हैं
लौकांतिका, लौकांतिक देव। लौकांतिक देव क्या होते हैं? ब्रह्म लोक के निवासी होते हैं। पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग। तो ब्रह्म लोक जो है ना, उसमें ये रहते हैं, इनको लौकांतिक कहते हैं। लौकांतिक इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म लोक के ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। दूसरी बात, इनका लोक संसार भी समाप्त होने वाला है, अगले भाव से ये मुनि बन करके मोक्ष चले जाएंगे। ब्रह्मचारी रहते हैं, हाँ, विषयों में नहीं लगते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। एक भवावतारी होते हैं, नियम से अगले भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। इनके पास देवियां नहीं होती, बड़े सात्विक होते हैं। इनके भेद क्या है? तो अगला सूत्र बताया है, सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधा रिष्टाश्च। सूत्र नंबर 25 में कहा है, सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुषित अव्याबाध और अरिष्ट, ये जो भेद है ना, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव हैं। ठीक है, ये 8 जो है ना, 8 देव ये ब्रह्म स्वर्ग में ऊपर वाले हिस्से में 8 दिशाओं में क्रम से रहते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, समान है, देवर्षि कहते हैं इनको तो। और ये तो निरंतर स्वाध्याय करते, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, बहुत सात्विक ब्रह्मचारियों की तरह रहते हैं। अच्छा, और कोई भी होते हैं जो दो भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं, उनके बारे में बतलाया है इन्होंने। विजयादिशु द्विचर्माः, विजयादिशु द्विचर्माः इस सूत्र में कहा है कि विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के जो 4 अनुदिश विमान है, सॉरी 4 अनुत्तर विमान है, उनमें जो जीव होते हैं ना, दो भाव लेकर के मोक्ष चले जाते। अच्छा, यहाँ पर द्विचरम से मतलब क्या है कि मनुष्य दो बार मनुष्य शरीर धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। और विजयादिशु क्यों कहा? इसमें सर्वार्थ सिद्धि की गणना नहीं होगी, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव तो बहुत अपर क्वालिटी के होते हैं, मतलब वो तो अगले भाव से मुनि बन के मोक्ष जाने वाले होते हैं। त्रिलोक सार में आया है, सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, दक्षिणेन्द्र, 6 दक्षिणेन्द्र, 14 के लोकपाल, सचिंद्राणी, सब मनुष्य भाव, एक मनुष्य भाव में ही मोक्ष चले जाते, एक भवावतारी होते हैं। अच्छा, त्रियंचों की बात यहाँ पर बतला रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की चर्चा हो गई, देवों की भी हो गई और नारकियों की भी हो गई, त्रियंचों की बात बतला रहे हैं यहाँ पर। सूत्र नंबर 27 में, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिय योनयः। औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्यों के अलावा जो भी बचे खुचे जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन सबको त्रियंच मानना चाहिए। बचे खुचे मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन 3 गतियों में जो नहीं है वो सब त्रियंच है, चाहे वो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक हो, वनस्पति कायक, सब कैसे हैं, त्रियंच में आते। भवनवासी देवों की आयु कितनी है उसके बारे में कहा है, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध ही निमिताः। इसमें कहा है कि असुर कुमार देवों की आयु 1 सागर की होती है, नाग कुमार की 3 पल्ले की होती है, और सुपर्ण कुमार में आधा कम करोगे तो 3 में आधा कम किया तो 2.5 पल्ले, द्वीप कुमार के लिए उसमें भी आधा कम करो तो 2.5 में आधा 2 पल्ले, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। और बाकी के बचे हुए हैं उनकी भी आयु आधा कम कर देंगे तो 1.5 पल्ले की आयु उन सभी की होती है। सौधर वैशान के देवों की आयु कितनी है तो कहा है, सौधर वैशान आयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है, मतलब लगभग 2.5 सागर तक होती है। ये 2.5 अधिक क्यों है? क्योंकि घातायुष्क के कारण से, कोई जीव घातायुष्क हो तो उसकी इतनी आयु होती है, लगभग 2.5 सागर की। आगे कहते हैं, सानत कुमार माहेंद्र योह सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर कुछ अधिक है। कुछ अधिक क्यों? घातायुष्क के कारण से। आगे कहा है सूत्र नंबर 31 में, त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश वीर अधिकानी तु। उसमें जोड़ते जाओ, 7 में जोड़ोगे 3 तो 3 जोड़ देंगे तो फिर
क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक, 10 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाएगी, लांतव कापिष्ट में कुछ अधिक, 14 सागर क्योंकि 7 में 7 जोड़ देंगे, शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक, 16 सागर की हो जाएगी क्योंकि 7 में 9 जोड़ देंगे, और फिर कहा है कि 17 सहस्रार में कुछ अधिक, 18 सागर की आयु हो जाती है, और उसके बाद में आनत प्राणत में 20 सागर, आरणचित में 22 सागर, इस प्रकार से आयु होती है। अच्छा, इसके 16वें स्वर्ग के ऊपर जो ग्रवेयक है, अनुदेश है, अनुत्तर है, उनमें क्या सिस्टम है आयु का, उसके लिए 32वें नंबर के सूत्र में इन्होंने कहा है, आरणाच्युता दूर्धो में कई के न नवसु ग्रैवेयकेशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौ च। कल्पातीत देवों की आयु होती है कितनी, तो कहा है आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रहवेयक हैं उनमें एक एक सागर आयु बढ़ती चली जाती है, 1 2 3 4 5 6 9 है तो 22 से आगे करो 23 24 25 26 27 28 29 30, इस प्रकार से ये जो है ये वहां तक पहुंचते एक अंतिम ग्रहवेयक में 31 सागर की आयु होती है। उसके बाद 32 सागर की आयु होती है 9 अनुदेश विमानों की, और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु विजय आदि विमानों में होती है, और सर्वार्थ सिद्धि की तो 33 सागर की ही आयु होती है, उससे ज्यादा की आयु होती ही नहीं। आगे अगले सूत्र में कहा है वैमानिक देवों की जघन्य आयु बतलाई है, अपरापल्योपम अधिकम, सौधर्म और ऐशान स्वर्गों में जघन्य आयु 1 पल्ले की होती है, 1 पल्ले से कुछ अधिक। आगे फिर कहा है सूत्र नंबर 34 में परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, मतलब कि जो बाद बाद के जो स्वर्ग हैं उनमें पहले पहले वाले की जो उत्कृष्ट आयु है वही अगले अगले वाले की जघन्य आयु होती जाती है, ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। आगे कहते हैं नारकी जीवों की आयु के बारे में कहा है, नारकियों में कैसे लगाएं, तो कहा नारका नाम च द्वितीय दिशु, नारकियों में भी 2 3 4 5 6 7 स्वर्गों में ऐसे ही लगाना चाहिए, लेकिन पहले नरक की आयु इन्होंने नहीं बतलाई। पहले नरक की आयु कैसे पता करेंगे, जघन्य आयु कितनी है उसका सूत्र दिया है इन्होंने, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 36वें नंबर के सूत्र में कहा कि पहले नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, 1 सागर एक समय अधिक होगा तो दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी, ऐसा दूसरे तीसरे में लगाना चाहिए। भवन वासियों की जघन्य आयु क्या है, 37वें नंबर के सूत्र में कहा भवनेशुचा, उनकी जघन्य आयु भी भवनवासी देवों की जघन्य आयु 10,000 साल की होती है। फिर सूत्र ऐसा ही कहा है 38वां, व्यंतराणाम च, मतलब व्यंतर देवों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष होती है, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो कहा परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 पल्ले से कुछ अधिक। ज्योतिषी देवों की आयु कितनी है, तो कहा ज्योतिष काणाम च, सूत्र नंबर 40, ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु कितनी है वो तो बताई ही नहीं है ना, तो कहा कहते हैं यहाँ पर तदष्ट भागो परा, पल्ले का 8वां भाग जो है ना वो ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु होती है। लौकांतिक देवों की आयु कितनी है, तो कहा है लौकांतिका नाम 8 सागरोपमानि सर्वेशाम, मतलब लौकांतिक देवों की, सभी लौकांतिक देवों की एक जैसी आयु होती है 8 सागर की, इस प्रकार से सभी देव और नारकियों की आयु हमें यहाँ पर पता चल गई। इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोध्याय नमो नमः। आइए आज हमने तत्त्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के 4वें अध्याय को इसका स्वाध्याय पूरा कर लिया है। कोई प्रश्न हो तो आप अभी चैट बॉक्स या फिर अनम्यूट करके बोल करके बता सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पर 4वां अध्याय लगभग पूरा कर लिया है, इसको पढ़ लिया है। आइए हम जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिएगा। हाँ आपने जो बताया कि लोकांतिक देव 8 ही होते हैं क्या, उनकी संख्या ज्यादा होती है, 8 उनके भेद हैं, मतलब उनके भेद मतलब होते तो बहुत सारे हैं, हजारों में हैं, लेकिन 8 क्वालिटी है उनकी, मतलब नाम अलग अलग हैं, 8 दिशाओं में रहते हैं इसलिए। और एक घातायुष क्या बोला आपने,
घातायुष्क का मतलब होता है जैसे एक जीव है उसने आयु बांध ली। अब जैसे आयु कैसे बांधी, जैसे उसके परिणाम अच्छे थे, स्वाध्याय कर रहा था, इस समय उसकी देवायु बंधी, देवगति का बंद हो गया, उसने आयु बांध ली 16वें स्वर्ग की, 14वें स्वर्ग की, 16वें स्वर्ग की उसने आयु बांध ली। उसके बाद में हुआ ये, उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे, खराब परिणाम हो गए, मरते समय मृत्यु के काल में अंतिम समय में बहुत बेकार परिणाम हुए। अब देवगति और देवायु बंध गई थी तो होगा क्या, वो जो है ना जो 16वें स्वर्ग की आयु बंधी थी वो जाकर के दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें, 10वें उसमें चली जाएगी। मतलब वो जीव 16वें स्वर्ग में जन्म नहीं लेगा, अब वो 4थे स्वर्ग में जन्म लेगा। तो 4थे में जब जन्म लेगा तो 4थे की जितनी आयु होती है ना, 7 सागर की आयु, सानत कुमार माहेंद्र, माहेंद्र स्वर्ग की आयु है 7 सागर, 7 सागर की आयु है तो उसको कुछ आयु बोनस में मिल जाती है, लगभग आधा सागर की आयु उसको मिल जाती है, उस आयु को कहते हैं घातायुष्क आयु। तो ऐसे कुछ अधिक की आयु उसको मिल जाती है, 7 सागर से कुछ अधिक की मिल जाती है, ये उसको घातायुष्क कहते हैं। चलिए और कोई प्रश्न तो नहीं है, और यदि हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई समस्या ग्रुप में नहीं है। आज हमने 4था अध्याय समाप्त कर लिया है, पूरा हमने 4थे अध्याय का स्वाध्याय कर लिया है। चलिए आइए जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे अब हम ना विषयांध रहे। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय।